सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका दोस्त डॉक्टर अशोक शर्मा, आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम द हिंदू एडिटोरियल से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। द हिंदू एडिटोरियल के साथ साथ एसएससी के पुराने क्वेश्चंस भी हम लेते हैं, जो कि एसएससी, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी सब के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। इस सेशन को मैंने चार भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से चार भाग हैं, मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, ताकि आप पे वीडियो को अंत तक देखें, बहुत उपयोगी वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हम इसमें द हिंदू की वोकैबुलरी देखेंगे। एडिटोरियल में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आए हुए हैं, जो बहुत एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी हैं, ऐसे शब्दों को हम लेंगे। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट होगा, वो हम ट्रांसलेशन करेंगे फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। बहुत शानदार सेशन होने वाला है, इसको भी आप जरूर देखिएगा, कंप्रेहेंशन में बहुत काम आता है। उसके बाद एडिटोरियल में जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं, उनको भी हम अलग से देखेंगे, उनको पढ़ेंगे। और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, जिनमें इडियम्स हो सकते हैं, कॉमन एरर्स हो सकते हैं, फिलर्स हो सकते हैं, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ भी हो सकते हैं, हम उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज जो मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊँगा, इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश पे उपलब्ध हो जाएगी, तो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर लें, ताकि आप लोगों को पढ़ने में और समझने में बिल्कुल आसानी रहे। आज का सेशन हम एक सक्सेस मंत्रा से शुरू करते हैं। लगभग मैं इसी सक्सेस मंत्र से अपना वीडियो शुरू करता हूँ। आप लोग भी इसको दिन में 2-4-5 बार बोलें, ताकि आपको चीज़ें बहुत 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 मोटिवेट करें। क्या था देखिएगा, आई वर्क हार्डर देन अदर्स, मैं बाकी लोगों से हार्ड वर्क करता हूँ। आप अपने आप को कहिएगा ये बात, और अपने आप को ये कह के अपने आप से ईमानदार बने रहिएगा। आई वर्क हार्डर देन अदर्स, लॉन्गर देन अदर्स, लंबे समय तक भी करता हूँ, हार्ड भी करता हूँ, एंड स्मार्टर देन अदर्स, और बाकी लोगों से स्मार्ट वर्क करने में भी मैं आगे हूँ, साइंटिफिक तरीके से काम करने में भी मैं आगे हो, इसलिए मुझे क्या मिलनी चाहिए, सफलता मिलनी चाहिए। यदि आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा बोलिएगा और ऐसा करना शुरू कीजिएगा, निश्चित रूप से आप लोगों को अपनी मंजिल मिलेगी। अब हम शुरू करते हैं इसका पहला पार्ट, जो कि है द हिंदू वोकैबुलरी। द हिंदू वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में यहाँ से वर्ड्स पूछे जाते हैं। पहला वर्ड जो है वो हम देखते हैं, कौन सा वर्ड हमने लिखा है। पहला वर्ड आप लोगों के लिए इंटेंट। इंटेंट का मतलब क्या होता है, उससे पहले आप देखेगा इंटेंट को बोला कैसे जाता है, इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इंटेंट, इंटेंट टैप इसमें क्या होता है, ये जो आपको कॉमे के जैसा दिखा है, इसको स्ट्रेस बोलते हैं, यहाँ इस पर जोर दिया जाता है। इंटेंट ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, यहाँ इसका प्रयोग नाउन के रूप में किया हुआ है, इसका मतलब होता है उद्देश्य। एम, पर्पज, ऑब्जेक्ट, आपका जो लक्ष्य है वो इंटेंट है, आपका क्या आशय है, ऑब्जेक्टिव, गोल या टारगेट। एग्जाम में कैसे याद रखोगे, इंटेंट वर्ड पूछा जाएगा और उनमें से कोई एक सिमिलियर वर्ड इनका पूछा जाएगा। तो ये जो वर्ड है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको याद रख सकते हैं, आपको याद होंगे भी, गोल है, टारगेट है, ऑब्जेक्ट है, पर्पज है, लेकिन इंटेंट वर्ड आपको याद रखना है। इस वर्ड में कोई भी एक वर्ड आएगा तो आप इस वर्ड को आराम से सेलेक्ट कर लेंगे। बेटा वर्ड जब तक याद नहीं रहेगा, जब तक आप उसको सेंटेंस में नहीं ले लोगे, और हम सेंटेंस के लिए आपको देख रहे हैं क्या, रमेश वाज फाउंड गिल्टी ऑफ वाउंडिंग विद इंटेंट। रमेश वाज फाउंड गिल्टी ऑफ, गिल्टी का मतलब उसको दोषी पाएगा, वाउंड ठीक है, वाउंडिंग घायल करना होता है, विद इंटेंट, इंटेंट यानी जान पूछकर अपने लक्ष्य के साथ, यानी उसका ऐसा ही लक्ष्य था, तो ये इंटेंट वर्ड इस तरीके से काम आता है। जिस तरीके से एक वर्ड बनता है इसका नाउन इंटेंशन, एक वर्ड और बनता है इसका क्या बनता है, इंटेंशन, वो उसी से इंटेंट बना हुआ वर्ड है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि गिल्टी के साथ क्या आता है, ऑफ वर्ड आता है, ही इज गिल्टी ऑफ। और दूसरा देखिए, ही चार्ज्ड विद, चार्ज्ड विद किसी के ऊपर आरोप सत्यापित करना, उसको कहते हैं चार्ज विद। और इसके साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन कौन सी आती है बेटा, इसके साथ विद फिक्स्ड प्रपोजिशन आती है, तो ये एग्जाम में आपसे पूछेंगे कहीं कहीं,
तो आप इनको भी याद रखिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सेशन जो है ये आप लोगों के लिए एक फुल पैकेज होता है, इसलिए आप लोग इसको मात्र आधा घंटे का सेशन नहीं माने, इसको वर्कशॉप मानेगा। जो चीज़ आपको समझ में आती है तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखें, जो नहीं आती है उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखें। बिल्कुल एक्टिव क्लास के रूप में बेटा, मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के, मैं बहुत मुश्किल से इसके लिए टाइम निकालता हूँ। वो टाइम निकालने का मेरा एकमात्र मकसद है कि मैं आप लोगों को कुछ बता सकूँ, कुछ सिखा सकूँ। यदि आप लोगों को कुछ आता है तो आप भी दूसरों को सिखाने और बताने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा इसका मेरा कोई भी मकसद नहीं है, इसलिए आप इसको गंभीरता से लेके इसको वर्कशॉप मानते हुए और अपना नीचे इसमें क्या क्या आपको समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। रमेश वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ, ये हो गया, ही चार्ज्ड विद पजेशन ऑफ, पजेशन का मतलब उसके ऊपर ही आरोप लगा है, उसके ऊपर आरोप साबित हुआ है किसका, पजेशन ऑफ ए गन, कि उसके पास एक गन है विद इंटेंट, किसके किस उद्देश्य के साथ, टू कमिट ए रॉबरी, कि रॉबरी एक लूटपाट करने के उद्देश्य के साथ उसके पास गन पाए जाने का आरोप क्या हुआ है, साबित चार्ज्ड विद। उसके बाद देखिएगा तो एक वर्ड होगा इंटेंट, इससे आप लोग क्या याद कर लेंगे, इंटेंशन से इंटेंट वर्ड याद कर लेंगे बस। इंटेंशन से, इंटेंशन का मतलब भी उद्देश्य होता है, उसी से एक वर्ड बना हुआ इंटेंट, इंटेंशन भी नाउन है और इंटेंट भी। उसके बाद देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द भाई, ये एन्यूर वर्ड होता है, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन उन बच्चों के लिए मैं लिखता हूँ जो बच्चे एसएससी बैंकिंग की तैयारी के साथ साथ, हो सकता है कि वो बच्चे किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हो, जिस तरह से सी टेट है उसकी तैयारी कर रहे हो, आर टेट है, एच टेट है, यूपी टेट है, इनकी तैयारी कर रहे हो, टीचिंग में फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो उनको ट्रांसक्रिप्शन बहुत काम आता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब इसको बोला कैसे जाता है, तो इन्यूर होता है, इन्यूर का मतलब अकस्टम होता है, अकस्टम का मतलब होता है आदि होना टू समथिंग, किसी चीज़ का हैबिचुअल हो जाना, आदि हो जाना, स्पेशली समथिंग अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट यानी मुख्य रूप से कोई जो अनप्लेजेंट चीज़ होती है, जो अच्छी चीज़ नहीं होती, बुरी चीज़ होती है, उसका आदि हो जाना, मतलब आप लोगों का टॉर्चर हो रहा है, आपका शोषण किया जा रहा, आप उस शोषण के क्या हो गए, आदि हो गए हैं, तो वो इस तरह का वर्ड काम में लिया जाता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन यूज होती है, इन्योर टू होता है, अकस्टम भी टू होता है, इन दोनों के साथ फिक्स प्रपोजिशन टू आती है। देखिए प्रपोजिशन आप लोगों को बहुत काम आने वाले हैं, तो आप इस तरीके से इसको याद रख लेंगे। इसके जो सिमिलियर वर्ड है वो देखो, हैबिचुएट है, कंडीशन हैबिचुएट, आदत हो जाना किसी की, कंडीशन उस बात में ढल जाना, एडजस्ट अपने आप को उससे एडजस्ट कर लेना। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए आप लोग, दीज चिल्ड्रन हैव बीन इन्यूर्ड टू वॉयलेंस, ये बच्चे वॉयलेंस हिंसा के आदि हो गए हैं, किसके आदि हो गए हैं बच्चे, हिंसा के आदि हो गए हैं, इन्यूर्ड टू वॉयलेंस, ठीक है, इस चीज़ की आदतन है, मतलब ये वॉयलेंस इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हिंसा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रेसिंग, कौन सा वर्ड है, डिस्ट्रेसिंग, देखो इसको ऐसे लिखा जाता है, डिस्ट्रेसिंग एडजेक्टिव है ये, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव। डिस्ट्रेसिंग का मतलब होता है जो आप लोगों को बहुत अपसेट करने वाला हो, मेकिंग यू फील वेरी अपसेट, जो आपको बहुत अपसेट करता हो, बहुत अनहैप्पी, बहुत नाखुश करता हो, या बहुत ही वरीड करता हो, जिसको आप लोग कह सकते हैं कि बहुत परेशान करने वाला, जो आप लोगों को अपसेट कर देता हो, ऐसा कुछ होता है उसको डिस्ट्रेसिंग कहते हैं। इसके सिमिलियर वर्ड देखिएगा, डिस्ट्रेस से बना हुआ है शब्द, किससे बना हुआ है, डिस्ट्रेस से बना हुआ है, डिस्ट्रेसिंग एडजेक्टिव है ये। इसके सिनोनिम्स देखिएगा, एम्ब्रेसिंग परेशान करने वाला, पेनफुल पीड़ा देने वाला, एगोनाइजिंग, एगोनी का मतलब पीड़ा होती है, पीड़ा देने वाला, टॉर्मेंटिंग, टॉर्मेंटिंग परेशान करने वाला, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रेसिंग कहते हैं, तो इस वर्ड को भी आप लोग याद रख लेंगे। अक्सर ये वर्ड कहाँ आता है, डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस और इलनेस, यानी कैसा, परेशान करने वाला, पीड़ा देने वाला अनुभव, ऐसे ही याद होंगे ये, डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस या फिर इलनेस, इलनेस बीमारी होती है, परेशान करने वाली, पीड़ा देने वाली बीमारी या अनुभव, तो डिस्ट्रेसिंग इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वन वर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, ऑटोप्सी, ऑटोप्सी, AUTOPSY, ऑटोप्सी का मतलब होता है, वन वर्ड में पूछा जाता है, एन एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ,
डेड बॉडी का एग्जामिनेशन करना, उसका इसको एग्जामिन करना क्या करने के लिए, ये पता लगाने के लिए, द कॉज ऑफ डेथ, मौत के कारण का पता लगाने के लिए, मतलब पोस्टमार्टम होता है। ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है? पोस्टमार्टम होता है, तो इसका सिमिलियर वर्ड हमने यहाँ लिख दिया है पोस्टमार्टम। ये वर्ड मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन वर्ड बहुत बार पूछा हुआ है। उसके बाद देखिएगा, एक वर्ड है कॉम्पनसेशन। कौन सा वर्ड है? कॉम्पनसेशन, ये इसका सही ट्रांसक्रिप्शन है, कॉम्पनसेशन। इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति या मुआवजा, मुआवजा होता है। कॉम्पनसेशन का मतलब मुआवजा होता है। ये दो वर्ड इसके दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्या है? रिकम्पॉन्स, रिकम्पॉन्स होता है, या फिर रीइंबर्समेंट होता है। दो वर्ड है इसके, रिकम्पॉन्स, RECOMPENSE, रिकम्पॉन्स होता है या रीइंबर्समेंट होता है, दोनों का मतलब मुआवजा होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, सी रिसीव्ड कॉम्पनसेशन, उसको मुआवजा मिला फ्रॉम द गवर्नमेंट। कहाँ से? गवर्नमेंट से, फॉर द डैमेज, उस क्षति के लिए, नुकसान के लिए, कॉज टू हर प्रॉपर्टी, जो उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ था। डैमेज का मतलब तो नुकसान होता है, क्षति होती है, उसकी प्रॉपर्टी को जो क्षति और नुकसान हुआ था, उसका उसको क्या मिला? कॉम्पेंसेशन, क्षतिपूर्ति मिली। कहाँ से? गवर्नमेंट से। तो देखिएगा, जब हम एग्जाम्पल में लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर होती हैं, हम उसको ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। अब आता है इसका दूसरा सेशन, ट्रांसलेशन। आज का जो एडिटोरियल है वो एडिटोरियल है सेंसलेस डेथ्स। ये द हिंदू एडिटोरियल है, June 26 का है। क्या है इसका, थोड़ा मैं बता दूं आप लोगों को। इस एडिटोरियल में बताया कि तमिलनाडु में किसी ने लॉकडाउन का वोलेशन किया, उसको जो लॉकडाउन के जो रूल थे ना उनको तोड़ा, वोलेट किया, और उस बात को लेके उनको कस्टडी में लिया गया, जेल में डाला गया, और जेल में दो बाप बेटों की मौत हो गई। कैसे हुई वो बात की बात है, तो उस बात को लेके ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, सेंसलेस, जिसको समझा नहीं जा सकता हो, जो समझ में नहीं आने वाली हो, बेतुकी हो, कैसी डेथ यानी मौत। तो सेंसलेस इसमें एडजेक्टिव है और डेथ इसमें नाउन है। हमने क्या किया बेटा, देखिएगा आप लोगों के लिए, हमने उसको पूरे एडिटोरियल को सेंटेंस वाइज कर लिया है, ताकि आप एक एक सेंटेंस को ठीक से समझ जाएं। पहले सेंटेंस क्या है देखिएगा उसमें, तमिलनाडुज कस्टडियल डेथ, तमिलनाडु की जो कस्टडी का मतलब हिरासत होती है, कस्टडियल का मतलब होता है हिरासत से संबंधित, हिरासत में जो डेथ हुई है, फ्लैग द फेल्योर, फ्लैग का मतलब तो झंडा होता है, लेकिन यहाँ वर्ब है, और इस वर्ब का मतलब होता है अंडर स्कोर, अंडरलाइन करना, किसी चीज़ को स्पष्ट तरीके से बताना, किसी चीज़ को विशेष रूप से बताना, उसको क्या कहा जाता है? फ्लैग करना कहता है। तो इसको हम लिखेंगे अंडरस्कोर या अंडरलाइन करना, तमिलनाडुज कस्टडियल डेथ फ्लैग द फेल्योर। वो किसकी तरफ इशारा करती है, किसको अंडरलाइन करती है? असफलता की तरफ। किसके असफलता की? टू हैव गाइडलाइंस, क्या रखने की? गाइडलाइंस रखने की, टू हैंडल लॉकडाउन, लॉकडाउन को हैंडल करने की गाइडलाइंस होने की, रखने की असफलता। टू हैव गाइडलाइंस टू हैंडल लॉकडाउन वायलेशंस, लॉकडाउन वायलेशंस के, लॉकडाउन के नियमों को, वायलेशन ब्रीच होता है, नियम कानून कायदों को तोड़ना, लॉकडाउन के कानून कायदों को तोड़ने के, टू हैव गाइडलाइंस क्या है? फेलियर टू हैव गाइडलाइंस, असफलता है, क्या रखने की, क्या पाने की, क्या रखने की, क्या होने की, उस गाइडलाइंस होने की, क्या किससे संबंधित, जो हैंडल करती हैं किनको, लॉकडाउन के वायलेशन को हैंडल करने वाली गाइडलाइंस होने की असफलता की को क्या करती है, अंडरलाइन करती है, विशेष रूप से उसको समझाती है। अब देखिएगा इसमें, यही हम देख लेते हैं, पहला सेंटेंस हमने ट्रांसलेट किया, इसको ट्रांसलेट करने के बाद हम इसमें देखेंगे ग्रामर से संबंधित। ये देखिएगा, ये है तमिलनाडु कस्टडियल डेथ्स, ये इसका सब्जेक्ट है। यदि आप लोग सब्जेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आपको इंग्लिश नहीं आ सकती। सब्जेक्ट और वर्ब जरूर समझिएगा, यदि आप लोग इंग्लिश समझना चाह रहे हैं तो। ये इसका सब्जेक्ट है तमिलनाडु कस्टडियल डेथ, और ये इसकी वर्ब है फ्लैग, फ्लैग का मतलब अंडरलाइन करना होता है, वो अंडरलाइन करती है, और बाकी सब चीज़ें आगे की हैं। ये देखिएगा, यहाँ तक प्लूरल है डेथ्स, इसका मतलब फ्लैग आया है, क्या नहीं आया है?
फ्लेक्स नहीं आया है, प्लूरल नाउन यूज हुआ है तो प्लूरल ही वर्ब यूज हुई है। उसके बाद देखिएगा दूसरा सेंटेंस हमने इसी में लिखा है, इवन फॉर ए कंट्री, इवन फॉर ए किसके लिए भी, एक ऐसे देश के लिए भी, एज इन्यूड टू कस्टडियल वायलेंस, वायलेंस अभी है, एज इंडिया, एक इस प्रकार के देश के लिए भी जो कि इन्यूड है, जो कि अभ्यस्त है किसका, कस्टडियल वायलेंस का, हिरासत में हिंसा का, एज इंडिया के जैसा, भारत के जैसे देश में, द डेथ ऑफ ए फैमिली, सॉरी द डेथ ऑफ ए फादर, एक पिता की मौत, सन और बेटे की मौत, ड्यू अरेस्टेड, जो दोनों अरेस्ट किए गए थे फॉर ए लॉकडाउन वायलेशन, एक लॉकडाउन वायलेशन के लिए, इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में, इज डिस्ट्रेसिंगली, वो बहुत ही डिस्ट्रेसिंगली, पेनफुली सेंसलेस है, वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ा देने वाले, बेतुकी है, सेंसलेस है, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है, इस प्रकार की वो क्या है, डेथ है। तो देखिएगा इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, ये इसमें वर्ब इज है, और इसका पूरे का पूरा सब्जेक्ट कहाँ है ये देखिएगा, यहाँ इसका द डेथ ऑफ ए फादर सन ड्यू अरेस्टेड फॉर ए लॉकडाउन इन तमिलनाडु, तो ये इसका है, द डेथ ऑफ ए फादर सन, यहाँ तक मान लो एक पुत्र और बेटे की, एक पिता और पुत्र की हत्या, जिनको अरेस्ट किया गया था लॉकडाउन वायलेशन के लिए कहाँ, तमिलनाडु में, वो क्या है, इट्स डिस्ट्रेसिंग है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है, इस प्रकार की ये आपको दूसरा हमने ट्रांसलेशन समझने का प्रयास किया। फिर तीसरा देखिएगा, पी जयराज 58, ये एक आदमी का नाम है जो कि टिम्बर ट्रेडर होता है, लकड़ी का व्यापारी होता है, एंड हिज सन, और उसका बेटा, ये उसका नाम है, 31, रैन मोबाइल, जो मोबाइल फोन सर्विस चलाते हैं, एंड सेल सेंटर, मोबाइल सर्विस का सेल और सर्विस सेंटर चलाते हैं, वर अरेस्टेड, इस बार देखिएगा ये हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये किसके लिए आया है, इन दोनों के लिए आया है, दोनों पिता पुत्र के लिए, तो ये वर्ब भी क्या आ गई, वर आ गई, उनको अरेस्ट किया गया फॉर किसके लिए, अलेजेडली कीपिंग देयर आउटलेट्स, आउटलेट मार्केट होता है, तथा कथित, अलेजेडली का बोलता है तथा कथित कीपिंग यानी रखने के, देयर आउटलेट्स, अपने बिजनेस को, अपने मार्केट को ओपन, क्या रखने के लिए, ओपन रखने के लिए, आफ्टर परमिटेड आवर्स, परमिटेड आवर्स के बाद भी, मारे क्यों गए भाई, वो पहले उनको अरेस्ट कैसे किया गया था, ये दो आदमी थे जिन्होंने अपनी दुकान को, अपने मार्केट को खुला रखा हुआ था, किसके बावजूद भी, आफ्टर परमिटेड आवर्स, जिन आवर्स के लिए परमिशन दिया गया था उसके बाद भी खुले थे, कहाँ, एट सतनकुलम टाउन, इन ये जगह का नाम है, कौन से, थोडुकुडी डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट में, एंड रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी, और उसका रिमांड कहाँ लिया गया, रिमांडेड का मतलब टू हैव इन, और उनको जुडिशियल न्यायिक हिरासत में रखा गया, अरेस्ट किया गया और कहाँ रखा गया, न्यायिक हिरासत में रखा गया, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। फिर देखिएगा द पुलिस क्लेम दे टुक इल, पुलिस दावा करती है, क्लेम का मतलब दावा करना, पुलिस दावा करती है, दे टुक इल, बीमार हो गए ऑन सक्सेसिव डेज, उसके बाद वाले दिनों में, अरेस्ट के सक्सेसिव वाले दिनों में, अरेस्ट के बाद वाले दिनों में वो क्या हो गए, बीमार हो गए, वाइल बीइंग लॉस्ड, क्या रखते हुए, लॉज यानी किसी को ठहराया जाना, इन ए सब जेल, एक सब जेल में ठहराए जाने के दौरान वे क्या हो गए, बीमार हो गए, एंड ब्रेथ देयर लास्ट इन हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में ब्रेथ देयर लास्ट एंड उनकी मौत हो गई, अपना अंतिम सांस उन्होंने कहाँ लिया, हॉस्पिटल में लिया, ऐसा किसका दावा है, पुलिस का दावा है। तो एक बार हमने देखा सक्सेसिव का मतलब होता है उसके बाद जो होते हैं फॉलोविंग, इन ए स्विफ्ट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट हमने एडिटोरियल को सेंटेंस में बांट लिया ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए, जो शुरुआती तौर पर समझ रहे हैं उनको बहुत उपयोगी है। इन ए स्विफ्ट रिस्पॉन्स, एक त्वरित प्रतिक्रिया के रूप में, द मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाईकोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट की जो मदुरई बेंच है, विच जिसने टुक लिया, क्या लिया भाई उसने, स्यू मोटो कॉग्निजेंस, श्वेत संज्ञान, एक वर्ड होता है स्यू मोटो कॉग्निजेंस, वर्ड मिलेगा आपको यहाँ, इसका मतलब होता है श्वेत संज्ञान लिया ऑफ द डेथ, उनकी मौत का, हैज डिसाइडेड, और क्या किया उसने, डिसाइड किया टू मॉनिटर द प्रोग्रेस,
मदुरई जो बेंच है जिसने स्वतः संज्ञान लिया हैज, ये यहाँ इसके लिए है, हाई कोर्ट के लिए, हैज डिसाइडेड, उसने तय किया है टू मॉनिटर द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मॉनिटर करने की ऑफ द स्टेचुटरी वैधानिक न्यायिक मजिस्ट्रियल प्रॉब, किसका, उसकी जो न्यायिक मजिस्ट्रियल जांच होने वाली प्रॉब यानी जांच होती है उसको खुद मॉनिटर करने का निर्णय लिया है, डिसाइड किया है। तो कुछ वर्ड थे जिनको हमने क्या किया भाई, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं आप लोगों के लिए। हमने कोशिश ये किया है कि अब आगे वाली लाइन्स को हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख दिया है, आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तभी तो इंग्लिश आएगी ना। देखो, न्यायालय ने पुलिस से वस्तु स्थिति मांगी है, तो न्यायालय के सब्जेक्ट कौन हो गए इसमें, न्यायालय ना, तो न्यायालय को आप लिखेंगे द कोर्ट, क्या लिखेंगे भाई, द कोर्ट मांगी है, द कोर्ट आस्ट, आस्ट यानी एक फ्रेजल वर्ब आती है आस्ट फॉर, मांगना है चाहना, द कोर्ट आस्ट फॉर, क्या मांगी कोर्ट ने, वस्तु स्थिति सूचना। तो इसके लिए वहां लिखा हुआ है वस्तु स्थिति सूचना का मतलब लिखा हुआ है कि स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, द कोर्ट आस्ट फॉर स्टेटस रिपोर्ट, वस्तु स्थिति सूचना को क्या कह गया, स्टेटस रिपोर्ट मांगी है किसने, कोर्ट ने कहा कि वास्तु स्थिति क्या है, वहां स्टेटस रिपोर्ट दीजिएगा, और क्या किया है, निर्देशित भी किया है, एंड ऑल्सो भी का लिख देते हैं, ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड निर्देशित करने का होता है INSTRUCTED, और निर्देशित भी किया है, इंस्ट्रक्टेड किया है किसके लिए, कि मर्द शरीर के चिकित्सक के परीक्षण की वीडियोग्राफी भी की जाए, मर्द शरीर का चिकित्सकीय परीक्षण का मतलब होता है ऑटोप्सी, एंड इंस्ट्रक्टेड किसके लिए, फॉर किसके लिए, फॉरेन के लिए, ऑटोप्सी बी वीडियोग्राफी, ऑटोप्सी बी वीडियोग्राफी, उसकी वीडियोग्राफी भी की जाए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका, हमने इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, आप लोग इसी तरीके से इसको ट्रांसलेट कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा आगे का सेंटेंस, मुख्यमंत्री ने प्रत्येक के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है, तो हम लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर, घोषणा करना अनाउंस्ड, हम लिखेंगे द चीफ मिनिस्टर, आई एफ द चीफ मिनिस्टर अनाउंस्ड द कंपनसेशन फॉर, कितने का कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति फॉर 10 लाख रुपीज ईच, प्रत्येक के लिए क्या लिख देंगे, ईच दो है ना, तो इसका क्या करेंगे ट्रांसलेशन सुन लो एक बार आराम से, द चीफ मिनिस्टर अनाउंस्ड फॉर कंपनसेशन, द चीफ मिनिस्टर अनाउंस्ड फॉर कंपनसेशन फॉर रुपीज 10 लाख ईच। तो ये आप इसका कर लेंगे। अब आते हैं हम इसमें ग्रामर के कॉन्सेप्ट, देखिएगा क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा इसमें कॉनकॉर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक वर्ड आया था पुलिस, और उसके बाद में देखिएगा वर्ब आई है प्लूरल, तो पुलिस पब्लिक पीपल के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब काम में ली जाती है। देखो आपको सिखाता हूँ सेंटेंस कहाँ, देखो पुलिस क्लेम्स नहीं है, ये पुलिस लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, क्लेम लिखा हुआ है, तो पुलिस के बाद, पब्लिक के बाद, पीपल के बाद, इन सब के बाद प्लूरल वर्ब काम में ली जाती है। एग्जाम्पल देखिएगा द पुलिस वॉज और वर रनिंग आफ्टर द थीप, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, द पुलिस वर, बहुत बार कॉमन एरर में पूछा जाता है, ध्यान देंगे बेटा। उसके बाद पब्लिक भी प्लूरल है, तो इसमें लिखेंगे पब्लिक वर शाउटिंग स्लोगन्स, पब्लिक नारे चिल्ला रही थी, शाउटिंग स्लोगन्स होता है इसका। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा है फिक्स प्रीपोजिशन, इसमें एन्यूड एकस्टम, इनके बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होना चाहिए, जैसे सी इज एकस्टम टू ट्रेवलिंग अ लॉट इन देयर जॉब, उसको क्या है, वह व्यस्त हो गई है अब अपने जॉब में लंबी लंबी ट्रेवलिंग करने के। उसके बाद देखिएगा फोर्थ जो ऑप्शन है हमारा इसमें वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का मतलब है एसएससी के कोई पुराने क्वेश्चंस हम इसमें लेते हैं, और आज के सेशन में हम लेंगे कॉमन एरर के क्वेश्चंस। ये देखिएगा कॉमन एरर क्या है इसमें, पहला सेंटेंस पहले आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं करवाता हूँ उसको, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, नो एरर, यह इट इज आई, इसको जोड़ा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन हु से,
जब कोई सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हो तो उसके तुरंत पहले वाले के, ये ऐसे लिखा हुआ देखिएगा, इट इज़ आई हु, और रिलेटिव प्रोनाउन हु है तो रिलेटिव प्रोनाउन से तुरंत पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वा आती है, तो इज के स्थान पे क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एम। तो हम इसमें लिखेंगे इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। क्लियर हो गया? तो ये था आपका पहला पॉइंट, आप इसको समझ लेंगे। क्या रूल था ये, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा देखिएगा, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, गौरी ने मुझे उसका नाम बताया उसके जाने के बाद। तो देखो दो एक्शन है इसमें, एक तो उसने नाम बताया और एक उसका जाना, लेफ्ट ने जाने के लिए। तो पहले काम कौन सा होता है, उसके जाने का, और उसके बाद काम कौन सा होता है, उसके नाम बताने का। तो यहाँ जो है वैसे भी आफ्टर से जुड़ा हुआ है, तो ये प्रेजेंट सॉरी पास सिंपल है, तो ये पास परफेक्ट आना चाहिए, यानी एक एक्शन से पहले की एक्शन है। आप सब लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस है। तो ये यहाँ जो हैज लेफ्ट, ये सॉरी लेफ्ट है, ये क्या होना चाहिए था, हैड लेफ्ट होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, हैड लेफ्ट होना चाहिए था। तो इसमें एरर ये है। इस तरीके से आज का हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को ठीक लगी होंगी। थैंक यू वेरी मच।